परिवार अपनी जगह है, परिवार से मेल मिलाप होता है, बिल्कुल त्योहारों में मिलना होता है, बिल्कुल। बात क्या होती है? मतलब भारतीय जनता पार्टी आपका बड़ा परिवार, वो कभी कभी तो ऑब्वियसली ये बात तो होगी कि भाई परिवार है यहाँ से, नहीं ऑब्वियसली ये बात तो होती है, कई बड़े लोग परिवार में पूछते हैं भाई पार्टी छोड़ करके क्यों चली गई, पुराने जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो भी जानते थे, वो भी पूछते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि संवाद देखिए बने रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति परंपरा यही कहती है कि संवाद कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और आज इसीलिए हम लोग शायद सब यहाँ पर शिखर सम्मेलन में हैं कि हम अच्छा, संवाद जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद करने के लिए मुझे बताइए ससुराली परिवार जो है आपका यादव परिवार, वहां पे सबसे ज्यादा क्या छोटे ससुर शिवपाल यादव के साथ छनती है क्या? क्योंकि जब भी अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें आती हैं तो हमें यह पता चलता है कि साहब शिवपाल यादव के संपर्क में आ गई हैं अपर्णा यादव। ऐसा देखिए कुछ भी बात नहीं है, चाचा बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं हमारे, और जो है हमेशा उन्होंने बहुत ही खुल करके बोला है, अपनी बात रखी है, मैं उनका आदर करती हूँ और समय समय पर वो बात करते रहते हैं मुझसे, ऐसी कोई उनसे कुछ सियासी मार्गदर्शन लेती हैं, नसीहत कुछ देते हैं वो आपको? ऐसी जब वो बात करेंगे तो हम कहेंगे या मतलब उनसे चर्चा होती है, अभी तो ऐसे कोई बात मतलब सियासी हम लोग नहीं करते, हम लोग घर की बात करते हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं ना, लेकिन संपर्क में आने की खबरें तो तब आती है ना जब बीजेपी से आपकी नाराजगी की खबरें होती हैं, तभी आप लोग चला देते हैं बीजेपी में नाराजगी, अपर्णा यादव नाराज हो गई और शिवपाल यादव के संपर्क आप लोग चला देते हैं और कुछ सूत्र बता देते हैं, आई डोंट नो। नहीं तो वो सूत्र हमें ये नहीं बता पाते कि अपर्णा यादव ने कभी शिवपाल यादव से कहा कि आइए चाचा जी आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए राष्ट्र की सेवा के लिए, ऐसा कभी कोई मौका आया? मैं तो सबसे कहूंगी कि बीजेपी जो भी ज्वाइन कर सकता है राष्ट्र सेवा के लिए जरूर करे, वो चाहे चाचा हो चाहे कोई भी हो, मैं जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए सोचता है वो जरूर ज्वाइन करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।